प्लम ने एक और ड्यूप लॉन्च किया है इन अ बॉडी मिस्ट विच इज जिन कॉलिंग. आई नो आई एम लेट टू द ट्रेन बट आई एम फाइनली ऑन इट. Hi guys, I'm Pratha and welcome to today's video. I am enjoying this hairdo so much ki aap shayad back to back mujhe isi hairdo mein dekhenge. Ye bahut hi easy to do 2 minutes hairdo hai. Isme bilkul time nahi lagta hai. Baal gande hain, acche hain. Third day, fourth day hai, whatever. This hairdo just works with every situation and every outfit. So yeah, I think you will be looking at me like this a lot from now on. I think sirf ab jin calling reh gaya hai, jisko review karna reh gaya hai from Plum. Aur ab bahut sare logon ne request bhi kiya tha iske bare mein. Isiliye I ended up buying it. Otherwise, meri koi intention nahi thi to try a body mist from Plum. So without wasting any more time, let's quickly get into this video and roll the intro. I am always and always very very appreciative of the colors जो Plum use करता है अपने products पे. Packaging हमेशा बहुत ही cheerful, beautiful और बहुत ही color complementary होती हैं. That are always very pleasing to the eyes. Now let's look into the notes of this fragrance. हमारे पास यहाँ top में है ginger, bitter orange and neroli. Heart we have rose and jasmine. बेस में वी हैव कैशमियर वुड एंड एम्बर वनीला. नाउ इन द स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो मैंने आपसे कहा था कि ये किसी चीज का ड्यूप है. नाउ लेट मी गिव यू द ड्यूप दैट इट इज ऑफ. सो द मोमेंट आई स्प्रेड दिस इट रिमाइंडेड मी ऑफ गोल्डन ओशन पर्ल फ्रॉम बाथ एंड बॉडी वर्क्स. ये बहुत कम टाइम के लिए ये फ्रेग्रेंस आई थी. आई थिंक सिर्फ एक ही एसएस में इसका बॉडी मिस्ट आया था. ना ही ये फ्रेग्रेंस बहुत लंबे टाइम के लिए रही, ना ही ये एक रेकरिंग फ्रेग्रेंस रही हमारे सेमी एनुअल सेल में. लेकिन आई एम एक्सपेक्टिंग कि शायद ये वापस आए इस बार की समर एसएस में. सिंस दे बोथ हैव अ लॉट ऑफ सिमिलैरिटी टू ईच अदर, देयर इज ऑल्सो अ परफ्यूम जो इन दोनों के सिमिलर है, सिमिलर फ्रेग्रेंस फैमिली में है. मैं ये बिल्कुल नहीं कह रही हूँ कि ये बिल्कुल एक जैसी तीन फ्रेग्रेंसेज हैं. एंड द परफ्यूम that I'm talking about is CK Into You For Her. लेकिन now that I'm smelling all of these side by side, तो मुझे ऐसे लग रहा है कि ये दोनों थोड़े एक जैसे हैं और ये slightly different है, लेकिन fragrance family इनकी similar है. मुझे opening में ये थोड़ा ज़्यादा Benetton Hot के जैसा लगता है. इसमें एक slightly spicy, warm, citrusy opening है. On the other hand, CK Into You की opening बहुत ही ज़्यादा zesty और fresh है in comparison to अभी जो gin calling में मैं smell कर पा रही हूँ. लेकिन इनकी somehow a little bit there is a similarity in the dry down, so that is why I'm mentioning CK Into You For Her. Again, I would like to say मैं बिल्कुल ये नहीं कहूँगी कि ये exactly same fragrances हैं. वो बिल्कुल मत सोचना, same fragrance family है, that is what I'm trying to say. तो एक बहुत अच्छी वॉर्म सिट्रसी ओपनिंग इसमें है. जिंजर, बिटर ऑरेंज और निरोली बहुत अच्छे से मिक्स हो रहा है. एक क्लासी वॉर्म सिट्रसी ओपनिंग इसकी है, जो कि मुझे बहुत अच्छा और इंटरेस्टिंग ब्लेंड लगता है. फ्रेश जेस्टी सिट्रस या फ्रेश स्वीट सिट्रस तो एक बहुत कॉमन नोट है टू क्रिएट, लेकिन बहुत कम फ्रेग्रेंसेस मार्केट में ऐसी हैं जिनकी एक वॉर्म सिट्रसी ओपनिंग होती है. सो दैट इज़ definitely there in gin calling. Rose और jasmine मैं उतना prominently इसमें smell नहीं कर पा रही हूँ. ये जो दो notes हैं I think ये सिर्फ एक slight bit of you know softness provide कर रहे हैं इस fragrance को. वो jasmine बिल्कुल भी soapy या फिर overpowering jasmine नहीं है जैसे अक्सर jasmine fragrances में होता है. So that's a great thing about this. और base में आते आते वो cashmere wood, amber और vanilla बहुत अच्छे से take over करता है और इसको एक slightly sweet, very slightly sweet, soft और इसको एक क्रीमी वॉर्म सिट्रसी फ्रेग्रेंस बनाता है ऑन अ होल. एंड दैट इज व्हाट एग्जैक्टली आई गेट इन गोल्डन ओशन पर्ल एज वेल. लेकिन जब मैंने इन दोनों को साइड बाय साइड टेस्ट किया था और इनको कंपेयर किया था, तो ऑफ कोर्स बाथ एंड बॉडी वर्क्स की क्वालिटी कंपैरेटिवली अच्छी रहती है. मैं हमेशा आपसे ये कहती हूँ कि प्लम हमें बजट पे बहुत अच्छे परफ्यूम्स देता है, लेकिन जो आप पे करते हो आपको वही मिलता है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं मिलता है. गोल्डन ओशन पर्ल को जब मैंने इसके कंपैरेटिवली यू नो स्किन पे टेस्ट किया, तो ड्राई डाउन, इसका ड्राई डाउन भी बहुत अच्छा है. मैं ये नहीं कह रही हूँ कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं है. दिस इज़ अ वेरी वेरी ब्यूटिफुल फ्रेग्रेंस एंड आई एम वेरी वेरी इम्प्रेस्ड विद इट. लेकिन अगर मैं इन दोनों का ड्राई डाउन कंपेयर करूँ तो मुझे गोल्डन ओशन पर्ल का ड्राई डाउन ज़्यादा पसंद है और मैं एनी डे प्रेफर करूँगी कि मैं गोल्डन ओशन पर्ल ही यूज़ करूँ. बट दिस
ऑन इट्स ओन, अगर मैं इसको किसी फ्रेग्रेंस से कंपेयर ना करूं, तो ये फ्रेग्रेंस अपने आप में एक बहुत ब्यूटिफुल, अ लिटिल बिट ऑफ अ फॉर्मल, क्रीमी, वार्म सिट्रसी फ्रेग्रेंस है। और अगर मैं ये कह रही हूँ कि ये एक वार्म सिट्रस फ्रेग्रेंस है, एक सैंडलवुडी क्रीमीनेस है इसमें, या फिर ये एक सॉफ्ट वुडी फ्रेग्रेंस है, तो आप बिल्कुल भी ये मत सोचना कि ये एक विंटर अप्रोप्रिएट फ्रेग्रेंस है, ये एक बहुत ही समर अप्रोप्रिएट फ्रेग्रेंस है, प्रॉबेबली लाइक अ वेरी फॉर्मल फ्रेग्रेंस फॉर द समर नाइट टाइम, लेकिन ये एक बहुत अच्छी ऑफिस गोइंग फ्रेग्रेंस भी है, उसमें कोई डाउट नहीं है। और जिन लोगों को थोड़ी सी ऐसी फ्रेग्रेंसेस पसंद आती हैं जो थोड़ी यूनिसेक्स लीनिंग होती हैं और बहुत ज़्यादा ओवरली स्वीट, ओवरली फेमिनिन या ओवर पावरिंग नहीं होती हैं, उनके लिए ये एक परफेक्ट फ्रेग्रेंस है और वो इसको बहुत ज़्यादा इन्जॉय करेंगे। वो सब लोग जो बजट पे या तो बेनेटन हॉट के जैसा स्मेल करना चाहते हैं, क्योंकि बेनेटन हॉट ऑलमोस्ट एक्सटिंक्ट जैसा हो गया दुनिया में से, ऐसे लग रहा है कि वो आजकल मिलता ही नहीं है। आई डू हैव अ बॉटल ऑफ इट, लेकिन अब मैं नहीं उठ के जा रही हूँ कि मैं उसको लेने जाऊँ। तो अगर आप बेनेटन हॉट के जैसा स्मेल करना चाहते हैं, इनफैक्ट अ बेटर वर्जन ऑफ बेनेटन हॉट, क्योंकि बेनेटन हॉट उतना क्रीमी वुडी नहीं होता है बेस में, डेफिनेटली होता है लेकिन इसके जितना नहीं होता है। सो दिस इज मोर ऑफ अ स्मूदर टेक ऑन बेनेटन हॉट, और वो एक जो शार्प सिट्रस है वो इसमें नहीं है, क्योंकि इन्होंने लेमन की बजाय इसमें बिटर ऑरेंज डाला है, विच इज अमेजिंग। तो मेरे लिए दिस फ्रेग्रेंस इज डेफिनेटली एन 8/10, और मैं इसको हाईली रिकमेंड करूंगी कि इन समर्स के लिए अगर आप कुछ थोड़ा सा क्लासी, एलिगेंट और यूनिसेक्स लीनिंग ढूंढ रहे हो और आपको एक माइल्ड फ्रेग्रेंस चाहिए, तो डेफिनेटली दिस विल वर्क फॉर यू। लेकिन अगर हम इसकी लॉन्जिविटी की बात करें, तो मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस में 2 या 3 घंटे से ज़्यादा की लॉन्जिविटी इसकी नहीं रहेगी, 2 घंटे शायद स्किन पे और 3 घंटे कपड़ों पे, उसके बाद आपको इसे रीस्प्रे या रीटच करना पड़ेगा। लेकिन 450-500 रुपये की प्राइस रेंज में अगर आपको इस तरह की फ्रेग्रेंस मिल रही है, क्योंकि मुझे इसकी क्वालिटी काफ़ी पसंद आ रही है, व्हेन आई से कि मुझे ड्राई डाउन में इसकी क्वालिटी ज़्यादा पसंद है, वो इसीलिए क्योंकि ड्राई डाउन में जिन कॉलिंग जो है वो थोड़ी सी एक पाउडरीनेस उसमें ऐड हो जाती है, वो जो एक सिंथेटिक अरोमा केमिकल्स वाली, वो डिफरेंस आपको तब समझ में आता है जब आप डिज़ाइनर से बॉडी मिस्ट पे, फिर बॉडी मिस्ट से सस्ते परफ्यूम पे ट्रांजिशन करते हो, तो तब वो चीज़ समझ में आती है। और जितने लोग कमेंट सेक्शन में आके ये बोलते हैं ना कि मुझे तो डिज़ाइनर्स में ही इन्वेस्ट करना पसंद है एंड आई डू नॉट वॉन्ट टू बाय अफोर्डेबल फ्रेग्रेंसेज, लेट मी जस्ट से दिस, आई टोटली रिस्पेक्ट एंड अंडरस्टैंड व्हाट यू से। मैं खुद भी डिज़ाइनर्स यूज़ करती हूँ ऑन एन एवरी डे, लेकिन कुछ ड्यूप्स इतने अच्छे निकल के आते हैं या कुछ सस्ते परफ्यूम इतने अच्छे निकल के आते हैं कि मेरा भी उनको यूज़ करने का मन करता है, फॉर एग्जांपल मस्क बॉम फ्रॉम फ्रीड या फिर लताफा की फ्रेग्रेंसेज। सो देयर आर फ्रेग्रेंसेज जो कि मुझे अपने डिज़ाइनर्स जितनी ही पसंद है, इनफैक्ट कुछ तो डिज़ाइनर से भी ज़्यादा पसंद है, तो आई टोटली अंडरस्टैंड दैट। लेकिन हम जब इस तरह के कमेंट्स करते हैं, हमें ये भी ध्यान रखना चाहिए कि सब डिज़ाइनर या नीश परफ्यूम्स अफोर्ड नहीं कर रहे हैं दुनिया में। अगर आप मुझसे भी बोलोगे ना कि हर महीने जाके एक डिज़ाइनर परफ्यूम लेके आओ, तो आई थिंक कहीं ना कहीं आई विल ऑल्सो पुल बैक अ लिटिल। जस्ट ये कहना चाहती हूँ कि प्लीज़ क्वालिटी को कंपेयर मत करो, जहाँ आप 5,000-8,000 रुपये पे कर रहे हैं और जहाँ आप 800 रुपये पे कर रहे हैं, उसमें क्वालिटी डिफरेंस डेफिनेटली होगा। आपको उतनी अच्छी क्वालिटी, उतने अच्छे अरोमा केमिकल्स नहीं मिल सकते हैं। लेट्स एक्सेप्ट दिस फैक्ट, एंड उस बात को ध्यान में रखते हुए इन फ्रेग्रेंसेस को हमें परसीव करना चाहिए। सो फॉर नाउ व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज, कमिंग बैक टू द पॉइंट, कि बहुत हल्का सा एक पाउडरीनेस इसमें क्रिएट होता है, जो कि एक सिंथेटिक या सस्ते अरोमा केमिकल्स में से एक पर्टिकुलर फ्रेग्रेंस आती है, लेकिन इन दिस वन पर्टिकुलरली वो इतनी ओवरपावरिंग नहीं है कि वो मुझे परेशान करे। जब मुझे ये चीज़ें परेशान करती हैं या स्टैंड आउट होती हैं, मैं आपको हमेशा बताती हूँ। इन केस ऑफ जिन कॉलिंग मुझे बिल्कुल नहीं लग रहा है कि उस चीज़ पर ध्यान भी देने की जरूरत है, क्योंकि अगर आप इसको किसी फ्रेग्रेंस से कंपेयर ना करके, जो इससे बेटर क्वालिटी की फ्रेग्रेंस है, और ऑन इट्स ओन इसको स्मेल करेंगे, तो आपको एक बहुत अच्छी माइल्ड, सॉफ्ट, वार्म, सिट्रसी, वुडी, क्रीमी फ्रेग्रेंस मिलेगी, एंड दैट इज व्हाट इज इन हियर। तो मुझे ऐसा लगता है कि इन समर्स में या फिर ऑल ईयर राउंड फ्रेग्रेंस भी ये बहुत आराम से हो सकती है, इफ यू कैन मेक इट वर्क दैट वे, और यू कैन लेयर इट विद सम काइंड ऑफ सिमिलर परफ्यूम विच यू हैव। तो अगर आप वैसा कुछ कर सकते हैं, तो डू ट्राई दिस फ्रेग्रेंस। एक और बहुत इंपॉर्टेंट सजेशन मैं आपको ये देना चाहूंगी, मेरा एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा है प्लम की वेबसाइट से परचेज करने का, तो इसीलिए मैं आपको बोलूंगी, प्लीज
Amazon से अपनी fragrances या Nykaa से खरीदिए, मैं लिंक में डिस्क्रिप्शन दोनों का छोड़ दूंगी, विच एवर यू प्रेफर। क्योंकि होता क्या है, इनफैक्ट Nykaa से भी ज़्यादा Amazon से मैं सजेस्ट करूंगी आपको कि आप प्लम खरीदे। रीज़न बीइंग, Amazon का जो कस्टमर केयर है और रिस्पॉन्स है वो बहुत प्रॉम्प्ट और अच्छा है। और होता क्या है कि अगर आपने Amazon को इस तरह की कंप्लेंट डाली ना कि ये देखो मेरी बॉटल लीक हो रही है और मेरी बॉटल टूटी हुई आई है या फिर मेरा परफ्यूम आधा आया है, तो उस केस में Amazon या तो प्रोडक्ट को रिटर्न करा देता है या आपको रिफंड दे देता है। तो इन केस ऑफ Amazon, जब ये प्रोडक्ट्स Amazon से आते हैं तो ये हमेशा बहुत अच्छी कंडीशन में आते हैं और कभी कंप्लेंट्स नहीं होती हैं। ऑन दी अदर हैंड, जब मैंने प्लम से ये परफ्यूम्स मंगाए हैं तो ऐसे लग रहा है जितने भी डिफेक्टिव पीसेस थे, प्लम उनको जब अपनी वेबसाइट से ऑर्डर क्रिएट होते हैं और जब वहाँ से भेजता है तो वो सारे डिफेक्टिव पीसेस, स्पेशली इन केस ऑफ परफ्यूम्स, वहाँ पे निकाल देता है। सो आई वुड हाईली रिकमेंड कि आप Amazon से अपने फ्रेग्रेंसेस खरीदो, क्योंकि मैंने जितने भी Amazon से मंगाए हैं उसमें एक में भी प्रॉब्लम नहीं आई है, स्पेशली इन केस ऑफ प्लम, क्योंकि मैं अपने प्लम फ्रेग्रेंसेस हमेशा Amazon से मंगाती हूँ। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप अभी भी यही हैं और मुझे देख रहे हैं, डोंट फॉरगेट टू गिव दिस वीडियो अ बिग फैट थम्स अप। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, प्लीज टेक अ सेकेंड एंड हिट ऑन दैट सब्सक्राइब बटन, जिससे कि आप इस तरह का कॉन्टेंट और देख पाएं। और नोटिफिकेशन बेल आइकन को टैप कर दो, सो दैट जब मैं अपलोड्स करूँ तो आपको नोटिफिकेशन आ जाए। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। टिल देन, कीप लुकिंग ब्यूटीफुल, कीप स्मेलिंग गुड, हैव अ ग्रेट डे ऑल, बाय बाय। Mwah.